प्रॉब्लम नंबर 4.29 एंड 4.3 आज का टॉपिक है बच्चों, और चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और एनसीईआरटी में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन रहा बच्चों ए, क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ें समझें उसके बाद बनाएं, आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर, और ये 10% कंप्लीट हो रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, जो कि इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन पर। कहता है 308 केल्विन पर कंप्लीट हो रहा है 25%, वो इक्वल है 10% के बराबर, ये तो हो गया। अब कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 4×10^10 पर सेकेंड, अगर ए का मान दिया हुआ है तो कह रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन पर, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी आपका पूछ रहा है। तो बच्चों इसको हम लोग सोल्व करेंगे और बहुत ही आसान है, सिर्फ बोर्ड पर नजर रखें आसानी से आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले हम लोग 10% को देखते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 K1, है ना। एक इक्वेशन को K1 कर देंगे, दूसरा को K2 कर देंगे। A हो जाएगा log A डिवाइडेड बाई A माइनस X, है ना। इसके बाद T इज इक्वल टू 2.303 K1 हो गया, log टोटल है 100, उसमें 10% कंप्लीट हुआ है, 90% बच रहा है, है ना। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे, 10/9 होगा, जिसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.111, यानी ये दोनों कट गया, यानी T इज इक्वल टू 2.303 बाई K1 log 1.111, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। इसके बाद बच्चों कह रहा है 25% कंप्लीट हो रहा है, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, दोनों इक्वल है 2.303 बाई के लॉग, टोटल है 100 और 25% कंप्लीट हो रहा है, यानी 75% है, है ना। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 4 3 है, डिवाइड करेंगे तो आपका बच जाएगा 1.333, है ना। यहाँ लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 K2 log 1.333, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान, और कहता है क्वेश्चन में ही दोनों इक्वल है ना, यानी ए और ए दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ लिखते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई K1 log 1.111 इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई K2 log 1.333, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, K2 को इधर लेके चल जाइए और log को उधर लेके चल जाइए, है ना, दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी T 2.303 बाई K1 बाई 2.303 डिवाइडेड बाई K2 इक्वल हो जाएगा log 1.333 डिवाइडेड बाई log 1.111, ये हो गया बच्चों। अब इसको काट देंगे, बच जाएगा यहाँ आपका K2 बाई K1 बराबर log 1.33 का, अगर log चार्ट में देखेंगे तो ये आपका है 0.1249, है ना। और बच्चों अगर log 1.11 का देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.0455
सेवन, और इसको दोनों को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.7, है ना, 2.738। यानी बच्चों आ गया आपका, इसको ऐसे फेर दीजिए, यानी K2 डिवाइडेड बाई K1 बराबर आ गया 2.738। चलिए यहाँ तो आ गया। और बच्चों हम लोग को निकालना है पहले एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, तो एक फॉर्मूला हम लोग डेराइव किए थे, आप याद किए कीजिए, और नहीं याद आ रहा है तो वीडियो ओपन करके जरूर देखिए। K2 बाई K1 इजकल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, यहाँ हो गया T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ जो है बच्चों हम लोग कर देते हैं log K2 by K1 इजकल टू, इतना इसके जगह पर बैठा दीजिए, है ना, यानी 2.738 इजकल टू EA by 2.303, R का वैल्यू क्या होगा 8.314। और यहाँ बच्चों दिया हुआ है टेम्परेचर, पहला इक्वेशन बना था 298 केल्विन पर और दूसरा 308, यानी यहाँ नीचे होगा 298 × 308 और ऊपर हो जाएगा 308 − 298 होगा कि नहीं। अब बच्चों क्या करना है, ये log 2.738 का अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.4367 इजकल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 8.314, और यहाँ हो जाएगा इनटू, इसको घटाएंगे 10 बचेगा, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 298 डिवाइडेड बाय 308। अब क्या करना है बच्चों, EA बराबर कर दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी तो पूछ रहा है, 0.4367 इंटू 2.303 इंटू 8 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 10। इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आ जाता है बच्चों 76.64 किलो जूल पर मोल, है ना, यहाँ जो है बच्चों जूल में आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, इतना किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये तो रहा बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, और हम लोग को निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन। बच्चों इसको पहले नोट किया जाए, अब बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन पर। अब बच्चों हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी आर्हेनियस इक्वेशन को देखते हैं, यानी के इजकल टू A इंटू E माइनस EA बाई RT, यही है आर्हेनियस इक्वेशन बच्चों। इसमें हम बोथ साइड ln लेते हैं, यानी ln K इजकल टू ln A इंटू E माइनस EA बाई RT, है ना। अब ln को हटाना है बच्चों तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे, और लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन आएगा, लॉग के इजकल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी।
अब जो है log a का वैल्यू बैठाएंगे, यानी log k इक्वल टू log a, और a का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻³। 4 × 10⁻¹⁰ माइनस ea, ea का मान जो है बच्चों हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 76.75, लेकिन किलो जूल में निकाले हैं ना, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देते हैं बाई 2.303। आर का मान है 8.314 और टेम्परेचर जो है 318, यहाँ दिया हुआ है कि 318 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकालना है। चलिए सारा चीज हो गया, लॉग के यानी इक्वल टू लॉग 4 इसका जो है 10 है ना, लॉग 4 × 10⁻¹⁰ इसका अगर निकालेंगे लॉग तो 10.602n माइनस, इसको अगर आप गुना भाग करेंगे बच्चों, गुना भाग से कभी भागिए नहीं, जितना करेंगे उतना कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, आपका मकसद जो है वो कामयाब होगा है ना। करेंगे तो ये आ जाएगा 12.65 है ना। अब इसको करेंगे log k इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो आज आपका क्या आ जाएगा, -2.003 है ना। अब इधर log k है, इधर क्या करेंगे के इक्वल टू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग -2.003 है ना। और इसको अगर करेंगे एंटी लॉग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1.034 × 10⁻² पर सेकेंड। यही बच्चों आपका आंसर आया है ना। कितना लंबा चौड़ा गुना भाग है बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए, इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं 4.3 क्वेश्चन नंबर 4.3 बहुत ही आसान है। 4.3 का क्वेश्चन रहा बच्चों ये, द रेट ऑफ ए रिएक्शन quadruples when the temperature change from 298 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate activation of energy of activation of the reaction. इसमें कह रहा है कि जो rate of reaction है quadruple यानी चार गुना हो रहा है, यानी क्या हो रहा है चार गुना, जबकि temperature change करता है 298 चार गुना होने 298 Kelvin to 313 केल्विन। ये बच्चों सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाना है आपको, कुछ नहीं करना है, और फॉर्मूला आपका ये है log k1 by k2 by k1 है ना, इक्वल टू ea डिवाइडेड बाई 2.303 r, यहाँ हो जाएगा T2 - T1 / T1 T2। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, और यहाँ रेट कांस्टेंट ध्यान दीजिएगा है ना, K2 जो है 4 गुना यानी 4K1 हो जाता है ना, K2 यानी आपका हो जाएगा log 4K1/K1 इक्वल टू ea बाई 2.303, r का मान लिख दीजिए 8.314, और यहाँ हो जाएगा 313 केल्विन माइनस 298 केल्विन डिवाइडेड बाई 298 × 313 है ना, यही हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करना तो बच्चों आपका काम है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये बच जाएगा log 4 है ना, log 4 बच जाएगा, यहाँ कर दीजिए ea
डिवाइडेड बाई 2303 इंटू 8.314 और इसको कर दीजिए गुने 313 है, 298 है, कितना बचे 15। यहाँ कर दीजिए 298313 है ना। लॉग 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 इक्वल ea इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2.303 8.314 इंटू 298 इंटू 313। यही तो है बच्चों इसका लॉग, यानी 2 हो जाएगा इंटू 0.30 ई ए इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2.303 8.314 इंटू 298 इंटू 313। अब तो बच्चों इतना लंबा चौड़ा गुना भाग करना संभव नहीं है, रेडीमेड आंसर आप नोट कर लीजिए 52.8 किलो जूल पर मोल। यही हो गया बच्चों आपका आंसर। आईसी के साथ बच्चों सेवा आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।